उज्जैन शहर में टाटा कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी के चलते लंबे समय से अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम को लेकर कार्य जारी है, जिसके चलते शहर के सभी लोग परेशान होते नजर आए। वहीं एक बार फिर विवेकानंद कॉलोनी में रखे टाटा कंपनी के पाइप में आग लगने का मामला सामने आया है। पूर्व में भी टाटा कंपनी के पाइप में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि एक बार फिर विवेकानंद कॉलोनी में जिस तरह से पाइप में आग लगी है उसको लेकर कई तरह की शंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी जिससे पाइप में आग लग जाए। इसके बावजूद भी इस तरह की घटना का दोहराना कहीं ना कहीं किसी बड़े घोटाले की आशंका पैदा कर रहा है। वहीं टाटा कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं होने के चलते प्रशासन ने कई बार कंपनी को नोटिस भी जारी किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। ये कंट्रोल से FRV 22 पे सूचना कि विवेकानंद कॉलोनी में कहीं पर आग लगी। यहाँ आकर फिर देखा तो टाटा कंपनी का जो सीवरेज का काम चल रहा है तो उसके पाइप वगैरह रखे थे, केबल वगैरह, उसमें आग लगी थी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड वाले वगैरह को सूचना दी और आग पे अभी काबू पा लिया है। अब तो जाँच का विषय अभी देखेंगे क्या है कारण उसका। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, टाटा कंपनी वालों से ही पता करके फिर बताएंगे।